कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर कर रहा है याद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ। सभी सदस्य एक जैसी वेशभूषा में नजर आए। गांधी जयंती पर पूरे प्रदेश में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। रायपुर में हजारों स्कूली बच्चों ने बापू की वेशभूषा में निकाली पदयात्रा। और प्रदेश में अब शासकीय खरीदी ई मानक पोर्टल से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रायपुर में पोर्टल किया लॉन्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देशभर में और विदेश में भारतीय मिशनों के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत के महान सपूत लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ देश सेवा की है और उनका साहस, सादगी तथा निष्ठा पूरे देश को प्रेरित करती रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी जय जवान जय किसान का आह्वान करके देश में नई ऊर्जा भरने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ। इस दौरान सभी विधायक एक जैसी वेशभूषा में नजर आए। विधायकों ने कोसे का कुर्ता और जैकेट पहना तो वहीं महिला सदस्य कोसे की साड़ी पहनकर विधानसभा पहुंची। विधानसभा में कार्यरत अधिकारी भी ऐसी ही वेशभूषा में नजर आए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और भाजपा सांसद सरोज पांडे भी विधानसभा पहुंची। सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। जब हम गांधी को याद करते हैं, उस परंपरा को भी याद करते हैं जिस परंपरा पे चल के गांधी जी इस लड़ाई की शुरुआत की। गांधी जी संत थे, गांधी जी महात्मा थे, गांधी जी विचारक थे, गांधी जी अहिंसक लड़ाई के पुरोधा थे, गांधी जी अच्छे लेखक थे, अच्छे संगठक थे, अच्छे मार्गदर्शक थे। गांधी के विचार, आचार, उसका पहनावा, उसका खान पान, उनका रहन सहन, माननीय अध्यक्ष महोदय जो उनके विरोधी थे वो भी इन गुणों को कहीं न कहीं अपने में आत्मसात किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम गांधी जी की याद कर रहे हैं तो उस पुरानी परंपरा को भी हमको याद करना चाहिए जिसके वजह से गांधी बना। गीता में ठीक कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तो कोई न कोई महापुरुष, कोई न कोई संत, कोई न कोई समाज सुधारक इस धरा पे अवतरित होते हैं, जिसे हम लोग अवतार या भगवान या ईश्वर का अंश कहते हैं। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर में सुप्रसिद्ध कबीर भजन गायक पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु ने बापू की प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने भी इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित छायाचित्र और डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसदों और अन्य विधायकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में गांधी जी के बाल्यकाल सहित सत्याग्रह और उनके द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनों, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में की गई यात्राओं की झलक देखने को मिल रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को खास और यादगार बनाने के लिए आज से पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ है। ये कार्यक्रम अगले वर्ष 2 अक्टूबर तक चलेंगे। राजधानी रायपुर में खादी की चादर लपेटकर गांधी जी के आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ हजारों स्कूली बच्चों ने जयस्तंभ चौक से पदयात्रा निकाली। बच्चा बच्चा गांधी की थीम पर आधारित इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। ये रैली गांधी मैदान में सम्पन्न हुई, जहां एक आम सभा भी हुई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1933 में बापू ने छत्तीसगढ़ के इसी ऐतिहासिक मैदान में आम सभा की थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलकर ही हमें छत्तीसगढ़ और देश का निर्माण करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील करते हुए कपड़े के थैले का वितरण किया। पदयात्रा के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बापू के प्रिय भजनों का गायन भी हुआ। उधर गांधी जयंती के मौके पर आज भिलाई में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित इस मैराथन दौड़ में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिलाई के सेक्टर 9 स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल चौक से इस दौड़ को दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। नशा मुक्ति और स्वच्छ भारत के संदेश के साथ आयोजित इस एकता दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर सेक्टर 9 चौक पर संपन्न हुई। कलेक्टर अंकित आनंद ने इस दौरान लोगों से खुद को फिट रखकर फिट इंडिया अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। के कार्यक्रम के तहत सबसे महत्वपूर्ण चीज नाम में ही सम्मिलित है फिट इंडिया, और फिट रहने के लिए हमको कोई ना कोई एक गतिविधि जरूर चुनना चाहिए। कहा गया है कि आपका कितना अच्छा जीवन चलेगा और आप जीवन में कितना अचीव कर पाएंगे, ये इस बात से डिसाइड होता है कि आप अपने दिनचर्या में मॉर्निंग के टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सवेरे उठें, किसी न किसी एक एक्टिविटी को जरूर चयन करें, चाहे वो रनिंग हो, जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, योगा हो। ज्यादातर लोग आज के दिन में अगर देखेंगे तो कैफेटेरिया ऑफ ऑप्शंस उपलब्ध है, किसी एक ऑप्शन को जरूर चयन करें, उसको अपने जीवन में अपनाएं। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य भी मौजूद थे। उधर महासमुंद में स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता के नारे के साथ साइकिल रैली निकाली। जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह रैली हाईस्कूल से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस हाईस्कूल में ही संपन्न हुई। इस दौरान बच्चों ने प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और भारत को स्वच्छ सुंदर बनाने जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कलेक्टर सुनील जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप जिले में आज से नव आरोग्यम योजना की शुरुआत हुई है। इसके अलावा सुपोषण अभियान, हाट बाजार और शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना भी शुरू हो गई है। जिले के फंड से, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से, हम अपने जिले के वासियों को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। नव आरोग्यम योजना के नाम से हम शुभारम्भ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमें बहुत दिनों से ये जानकारी में आया था कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है और कई हमारे गरीब मरीज उनका इलाज पाने में असफल थे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो रायपुर में बैठते हैं, जिनके पास लोग जा जाकर इलाज कराते हैं, उनको यहीं पर बुलाया जाए और उनके लिए दिन तय किया जाए, ताकि हमारे जिले की जनता है उनको उनकी विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ मिल सके। कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। वहीं राजनांदगांव में गांधी जयंती पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें आम लोगों ने भी श्रमदान कर नगर की साफ सफाई की। जिला प्रशासन, नगर निगम और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अभियान में सड़क के किनारे प्लास्टिक और कचरे की साफ सफाई की गई। संभाग आयुक्त, कलेक्टर, महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य लोगों ने भी सड़कों पर झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया।
इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। बाद में नंदई चौक पर एक सभा आयोजित की गई जहां लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा कन्हारपुरी स्कूल के बच्चों ने गांधी जी की वेशभूषा में प्रभात फेरी निकाली और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने 150वीं जयंती की आकर्षक आकृति भी बनाई। चित्रकोट विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 2 नामांकन निरस्त कर दिए गए हैं। अब इस सीट के लिए 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी कल दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। इस सीट के लिए कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे जिनकी जांच कल की गई। जांच के बाद निर्दलीय प्रत्याशी अभय कुमार कच्छ का नामांकन उम्र कम होने के कारण निरस्त कर दिया गया। वहीं खिलेश तेता का नामांकन प्रस्तावकों की कम संख्या होने की वजह से रद्द हो गया। जांच में 7 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। इनमें कांग्रेस के राजमन बेंजाम, भाजपा के लच्छूराम कश्यप, कम्युनिस्ट पार्टी के हिड़मोराम मंडावी भी शामिल हैं। इस सीट के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। प्रदेश में अब शासकीय खरीदी ई मानक पोर्टल से की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में यह पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने से प्रदेश के स्थानीय और लघु उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी और तैयार वस्तुओं के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने खरीदी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा यह पोर्टल विकसित किया गया है। ई मानक पोर्टल प्रणाली में स्थानीय लघु उद्योगों के लिए शासकीय बाजार की ऑनलाइन व्यवस्था के साथ साथ सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन खरीदी प्रक्रिया से मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और पोर्टल में क्रय आदेश, प्रदाय आदेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होगा। सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री डिस्पैच तथा पोस्ट डिस्पैच निरीक्षण की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को खरीदी प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ईमेल और एसएमएस से भेजी जाएगी। श्री पिंगुआ ने बताया कि जल्द ही ई मानक पोर्टल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पंचायतें भी स्थानीय उद्योगों से सामान खरीद सकेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर कर रहा है याद। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ। सभी सदस्य एक जैसी वेशभूषा में नजर आए। गांधी जयंती पर पूरे प्रदेश में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। रायपुर में हजारों स्कूली बच्चों ने बापू की वेशभूषा में निकाली पदयात्रा। और प्रदेश में अब शासकीय खरीदी ई मानक पोर्टल से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रायपुर में पोर्टल किया लॉन्च। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।